जो आप देख रहे हो बीच, ये बीच का उस तरफ अरुणाचल और बीच में से ये नदी, कितना अच्छा लग रहा है। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड अरुणाचल। अभी यही जो हिल रास्ता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीच और ऊपर चलेंगे। मौसम मस्त है बहुत ही। चलो आगे जाते हैं, अरिंदम चलते हैं भोमडीला। चलो अरुणाचल घुसते ही ऐसे ही रोड अप एंड डाउन हो रहा है। बहुत ऑफ रोडिंग था करीबन 1 किलोमीटर तक। अभी अच्छा पैचेस मिला है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और नहीं मिलेगा। अभी हम लोगों का ILP चेक होगा सिक्योरिटी गेट पे, उसके बाद ही सामने जाने देगा हम लोगों को। तो यही है ILP चेक करने वाला जो गेट। तो हम लोगों का ILP एंड कोविड टेस्ट का रिपोर्ट चेक हो गया। एक्चुअली कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट और नहीं तो डुअल डोज वैक्सीनेशन हो गया है। ये चेक पोस्ट था भालेमो। एक्चुअली मैं भूल गया था, इसको बोलते भालेमो चेक पोस्ट। यही चेक पोस्ट से एक्चुअली अभी हम लोग एंट्री किए। दो होता है, एक भालुंगपाम होके और एक है भालेमो। हम लोग भालेमो चेक पोस्ट से ही एंट्री कर रहे हैं। अभी भी दिरांग दिखा रहा है 130 किलोमीटर। दिरांग नहीं सॉरी, अभी भी दिखा रहा है बोमडीला 130 किलोमीटर। अभी भी 4 hours 3 minutes लगेगा। तो जर्नी हम लोगों का यहीं से स्टार्ट होता है अरुणाचल का। ऑफरोडिंग देखो भाई, बाप रे, जाएगा जाएगा, हाँ जाएगा। भयंकर ऑफरोडिंग चल रहा है थैंक्स टू एंटॉर्क। जबरदस्त गाड़ी होना है। सामने से आर्मी स्टॉक जा रहा है, मैंने सैल्यूट नहीं किया, ठीक नहीं है। इससे पहले जो भी गया था मैंने किया था। एक्चुअली एक हैंडल छोड़ के ना दूसरा हैंडल पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी देखो ये वाला रोड, एक तो आस्ते आस्ते आसो, एडवेंचर ही एडवेंचर। आर्मी सर को सैल्यूट करना चाहिए सर। उधर आर्मी ट्रक जा रहा था बोल के एज ए सिक्योरिटी रीजन मैंने बंद कर दिया था कैमरा। उसके बाद कुछ देर तक ऑफ रोड मिला हम लोगों को थोड़ा बहुत। अभी फिर से इस टाइप का रोड चालू हो गया। ऐसे भी रोड रहेगा तो चलेगा, बट संभाल के चलाना पड़ेगा। ये जो बालू वगैरह है ना, यही रिस्की बन जाता है। फाइनली BJK ऑन अरुणाचल बंगाल गर्ल्स नाइट, और योर बंगाली फ्रेंड इज़ ऑल्सो ऑन अरुणाचल। थैंक्स जिन लोगों ने ये ड्रीम दिखाया और ये ड्रीम को पूरा करने के लिए हेल्प किया, सभी को थैंक्स। ये एक नया ब्रिज बन रहा है। फिर से ऑफ रोड चालू। ये एक वाटर क्रॉसिंग है, चलो देखते हैं। एक्चुअली ऊपर से पहाड़ का पानी आता है ना। चलो वाटर क्रॉसिंग तो पार कर गया आराम से। ऊपर से शायद बारिश गिर रहा है या झरने का पानी गिर रहा है, पता नहीं, कुछ तो गिर रहा है। ये वाला पैस देखो दोस्त लोग, आप लोग
नज़र हटाने का मन ही नहीं करता है, बट नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आप लोग एंजॉय करो, मैं जितना देख पा रहा हूँ उतना देखूँगा। ये देखो मेरा लेफ्ट साइड से कितना अच्छा झरना आ रहा है। देखो यहाँ से रूपा अभी भी 61 किलोमीटर, बट हम लोगों को लंच करना है तो हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ पे मिलता है, देखते हैं। फिर से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। काफी ऊंचा है ये। पहाड़ काट काट के बीआरओ इतना अच्छा रोड बना रहा है, थैंक्स टू देम। हम लोगों का अभी भी लंच करने के लिए कोई दुकान नहीं मिला। वेलकम टू कलकटांग, कलकटांग। अभी प्रॉपर हाईवे मिल गया है हम लोगों को, बट लंच नहीं हो पा रहा है, अभी भी दुकान नहीं मिल पा रहा है। जबरदस्त रोड कंडीशन है। फिलहाल टाइम हो रहा है 4:20 और हम लोग आए थे ताशी डेलेक वेलकम टू होटल हाईवे इन तेंजिंग में यहाँ पे लंच करने के लिए। फटाफट मोमो और चिकन चाउमीन खा के गया। थोड़ा सा एक बार दुकान भी आप लोगों को अंदर में दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा मोमो था। तो चलो लंच के बाद हम लोग निकल गए। पता नहीं कितना दूर तक ब्लॉग हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा था। अंदर थर्मल लाइनर पहन लिया हूँ, हाथ में एक वुलन का ग्लव्स। लंच करने के बाद तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोमो और ये जो टी वगैरह था काफ़ी गर्मा गर्म कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ से 59 किलोमीटर कितना टाइम लगता है। हो पाएगा तो ब्लॉगिंग करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, क्योंकि देख ही पा रहे हो पूरा सन डाउन हो चुका है और हिली एरिया है, तो जितना जल्दी हम लोग पहुँचेंगे उतना भला ही हमारे लिए है। एक तो बात करना चाहिए, अभी तक जो भी रोड से हम लोग आए ना, सुपर। कुछ कुछ पैचेस तो मिलता है, टोटल रोड ट्रिप में ना 10% तो सबका ही ख़राब जाता है। तो मैं अगर बोलूँ सुबह से 21 88 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर हाँ ख़राब था, बाकी तो ज़बरदस्त ऑसम। फोर ट्वेंटी सिक्स साढ़े चार बज रहा है। ये कोई पास है, बट पता नहीं, नाम तो लिखा हुआ नहीं है, बट प्रे फ्लैग जो है, प्रे फ्लैग बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो ये भी कोई पास ही होगा। देखते 195 किलोमीटर हो गया है, अभी भी 50।
और बम डीलर। तो फिलहाल फिल अप कर लेते हैं। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 102। फिल अप करके आगे चलते हैं। आफ्टर फ्यूल अप हम लोगों ने फॉर बोम डीला चालू किया है। अनदर 35 किलोमीटर लास्ट स्ट्रेच है ये। पहाड़ में नाइट में राइड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस। अभी आप लोग फील कर सकते हो थोड़ा सा कैसा है नहीं है। वी शेप का सामने पहाड़, पता नहीं इस जगह हम जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फॉग लाइट को ऑन कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड है 26 हम लोग पहुंच जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल टाइम हो रहा है 5:46 और हम लोग अभी पहुंच रहे हैं रूपा। यहाँ से बोमडीला मेरे ख्याल से अनदर 10 किलोमीटर होना चाहिए। रूपा सिटी और 2 किलोमीटर के बाद ही आएगा। चलो आप लोगों को एक बार रूपा सिटी भी दिखाता हूँ। तो ये हम लोग अभी रूपा टाउन में पहुँच गए। यहाँ पे एटीएम वगैरह सब कुछ है, कोई चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। बाप रे, ये तो छोटा मोटा एकदम सिटी है। रूपा के बाद से ही थोड़ा सा सिटी से बाहर निकला, उसके बाद से ही ऐसा ही पैचेस मिल रहा है। भयंकर ऑफरोडिंग था। ये तो तब भी कम है, और भी ज्यादा था वहां पे बोल्डर्स। लो फिर से अच्छा रोड चालू हो गया। यहां से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर। Here is the moment of truth and golden moment. BJK has reached Bomdila. Your Bengali friend reached Bomdila. Main pahunch gaya Bomdila. Welcome to Bomdila. Mere sabhi viewers ko thank you. Mere co-riders ko thank you. मेरे को-राइडर्स को थैंक यू। और जिन जिन लोगों ने ये प्लान को, ये ड्रीम को सक्सेस होने में हेल्प किया, सबको थैंक यू। मैं किसी इंडिविजुअल का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सबको थैंक यू। बोमडीला और 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सो वी हैव फाइनली रीच्ड बोमडीला मेन टाउन के अंदर। अभी सिर्फ हमारा जो होम स्टे है वही ढूंढ रहा हूँ। अनु होम स्टे। अनु होम स्टे, अनु होम स्टे पहुंच गए बोमडीला। बोमडीला में हमारा थोड़ा सा होटल का ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। बहुत ही लाजवाब दिरांग, रूम नंबर बी, डिसेंट है। टोटल 4 आदमी यहाँ पे आराम से रह सकता है। सोफा से टीवी वगैरह मस्त है, कोई चीज का कमियां नहीं है। ये देखो टॉयलेट्स साफ सुथरा। चलो बाकी बात फ्रेश होके आप लोगों से करता हूँ। बाय बाय। कल इवनिंग को बॉम्बे आने के बाद फ्रेश होके एंजॉय करते करते ही टाइम निकल गया और ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया।
कल रात को हम लोग कितने बजे पहुंचे थे? 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे। अच्छे से डिनर विनर सब कुछ हुआ। ठंड बहुत काफ़ी था, काफ़ी ठंड था। करीबन 7:30, 7-8 बजे 7 डिग्री 6 डिग्री हो गया था। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जो मेन धमाल है वही होने वाला है, नेक्स्ट जर्नी। जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।